जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पमार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने सहारनपुर संसदीय सीट से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि रहे हैं माजिद अली, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। माजिद अली बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सहारनपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 2019 में भी यह सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी और बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान यहां से सांसद चुने गए थे। तो इस बार फिर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदलकर माजिद अली के नाम का ऐलान किया है। इसके अलावा अभी तक न तो विपक्षी गठबंधन कांग्रेस और सपा की ओर से किसी प्रत्याशी का ऐलान किया गया है, न ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। तो किस तरह से माजिद अली जी की तैयारी है और क्या उनके चुनावी मुद्दे रहेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो माजिद अली जी, आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। आपका भी स्वागत पमार साहब, परवेज भाई आपका भी। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं अभी तक? तो आपके सामने ना तो सपा कांग्रेस गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, हमें और किसी से तो कोई मतलब नहीं। हमें तो आदरणीय बहन जी ने यहाँ के प्रभारी बनाए हुए और हम रोज ही जाके अपने लोगों को मिल रहे हैं, बता रहे हैं, अपने तैयारी में लग रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी लोगों को ये पता चल चुका कि भाई गठबंधन पे यहाँ वोट नहीं है, गठबंधन जो हो रहा है वो तो हमारा ही हो रहा है। तो हमने पहले ही अपना भाईचारा बना लिया और बहुजन समाज पार्टी के साथ ही हम जीत सकते हैं और कोई पार्टी से सहारनपुर में नहीं जीत सकते, क्योंकि आज का माहौल तो आपको पता है सब कैसा चल रहा है। तो उम्मीद है हमें कि जीत हमारी ही होगी। आपने गठबंधन की बात की है चेयरमैन साहब, गठबंधन तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया अलायंस के साथ आ जाए। जो हमारी नेता आदरणीय बहन जी का आदेश होगा फिर हम वही काम करेंगे जो बहन जी कहेगी हमें, क्योंकि देखो हमारी जो नेता है जो भी निर्णय लेगी उस पर हम काम करेंगे। चेयरमैन साहब, कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है, उनका बयान आया है कि इस बार 400 पार इसलिए ताकि संविधान में बदलाव किया जा सके, जिसके लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरी इसीलिए सबसे अपील है, दरखास्त है आपके माध्यम से कि 400 पार कोई इन्होंने कुछ ये घपला कर रखा है, इन्हें कैसे पता है कि तुम 400 पार हो जाओगे? और जब ये ऐसा षड्यंत्र रच रहे तो इसका तोड़ हमारे पास क्या है? हम लोग सब इकट्ठे होके एकजुट होके अपने कैंडिडेटों को जिताए और उनका सपना पूरा ना होने दे, वो एक ही तरीका है आपके पास, और कोई तरीका नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि वो पूरा का पूरा वोट हाथी के निशान पे पड़ता है, वो कैंडिडेट को नहीं देखते, ना मुझे देखते, ना किसी और को देखते, उन्हें तो आदरणीय बहन जी को देखना है कि हमें लाल किले पे झंडा एक दिन फहराना है। तो उनका सपना है, उनका टारगेट है, जो बाबा साहब अंबेडकर जी देके गए कि लाल किले पे झंडा फहराना है। तो वो इकट्ठे होके हमें वोट देते हैं। अब हमारे लोगों को चाहिए कि वो अपना सब वोट एकजुट करके हमें दे और बीजेपी का सपना सपना ही रह जाए, और जब हम लोग सत्ता में आ जाएंगे पूरी ताकत के साथ तो आपको पता ही है सहारनपुर के लोगों का भला होगा, इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी और इनको इंसाफ दिलाया जाएगा। जो आज तक कोई इनकी लड़ाई नहीं लड़ सका वो हम सिर्फ 5 साल में इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। विपक्ष के लोग अक्सर बहुजन समाज पार्टी के नेता पर आरोप लगाते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य करती है। भाई देखिए, कमजोर जो लोग होते हैं ना, कमजोर उन पे कोई भी इल्जाम लगा देता है और उसको माना जाता है, क्योंकि कमजोर की खता है कि भाई वो गरीब है, मजलूम है, कमजोर है। आप मुझे बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 8 विधायक तो समाजवादी के टूट के चले गए, 5 विधायक कांग्रेस की तो सरकार है सत्ता में है हिमाचल से, वो टूट के भाजपा में चले गए। ये जो अजीत सिंह का बेटा जैन सिंह, जैन साहब, उसके सारे के सारे भाजपा को, 2 मुस्लिम थे, ये सोच के मुसलमानों ने वोट दिया था कि भाई ये बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार से आरजेडी, वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूरे के पूरे जितने लोग हम लोगों ने बनाए या आप लोगों ने बनाए, बसपा का एकमात्र विधायक वो भी भारतीय जनता पार्टी, वही तो बता रहा हूं, जितने आप लोगों ने जीता है, आप लोगों ने वोट दिया,
वो सारे के सारे बीजेपी में चले गए, बीजेपी को सपोर्ट किया। एक विधायक जो बसपा का है, वो एक विधायक से तो कुछ हो नहीं सकता, ना तो एमपी बन सकता ना कुछ और बन सकता, तो वो भी ठाकुर था। एक विधायक जो है बहुजन समाज पार्टी का, वो ठाकुर है, तो उसने अपने हिसाब से वोट दे दिया। बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी बीजेपी को उभरने नहीं दिया उत्तर प्रदेश में, सरकार दो बार बनाई, समर्थन लेके कभी वापस दिया नहीं। और जब जब भी समाजवादी आई सत्ता में, तभी भाजपा मजबूत हो गई। आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था, उसके बाद फुल बहुमत में आई बीजेपी। अखिलेश के टाइम में हुए ना दंगे, बहुजन समाज पार्टी के टाइम में तो एक भी दंगा नहीं हुआ। जिस दिन हमारे लोग ये बात समझ लेंगे, इनके दिमाग में आ जाएगी कि हमारा कौन है और कौन नहीं है, असली लड़ाई किससे है, उस दिन इंशाल्लाह मुसलमान और दलित इस देश पर राज करेंगे। आपने कहा कि कमजोर पर कोई भी आरोप लगा सकता है, आपने भी कहा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को तो एक सख्त प्रशासक के रूप में माना जाता है कि वे एक सख्त शासक रही है। बिल्कुल सही बात है बहन जी, ऐसी शासक रही कि सब अधिकारी टाइम से आते थे और सबको इंसाफ मिलता था, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत आगे तक हमारी तो कुछ औकात नहीं, हम तो देखिए काम करने वाले। बहन जी का जो आदेश होगा, फिर मैंने कहा वही हम तो मानेंगे, लेकिन बी टीम का काम जो कर रही है वो समाजवादी पूरे जोर शोर से कर रही है। ये सहारनपुर के विधायक थे, क्या नाम था इनका, संजयगर, चार चार बार मुसलमानों ने वोट दे के बनाया। और आज जब इन लोगों को जरूरत थी, इस वक्त में बुरा टाइम चल रहा है, तो वो भी कूद के भाजपा में चला गया। तो मुसलमानों को चाहिए कि अपना वोट बिरान ना करे, किसी को ना दे, अपना वोट वहां दे जहां कैंडिडेट जीत सकता है, जो जीत ही नहीं सकता उसे क्यों दे। आपने देखा 2022 में एक एक वोट पूरी ताकत लगा के मुसलमानों ने दिया, सरकार नहीं बदली। और इतना वोट अगर हम बसपा को डाल देते तो सरकार बदल जाती, इससे ज्यादा वोट हम कहां से लाए। सबने ये माना ना कि हमसे गलती हुई, 2019 में सबने इकट्ठा होकर बसपा को वोट डाला, हज्जी फजलुर रहमान जीते हुए मौजूद। 2014 में हमने ये गलती की थी कि एक तरफा वोट डाल दिया कैंडिडेट को, उससे ज्यादा वोट कहां से लाएंगे। 4,07,000 या 10,000 सुबेरा को लखनपाल जी जीत गए थे। और अब के भी अगर किसी के दिमाग में एक गलत फहमी चल रही है तो वो सीधा सीधा इस समाज का नुकसान कर रहा है, हमारे लोगों को कमजोर करेंगे और हमारे लोगों का नुकसान करेंगे। हमारे लोगों को बचने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपना इंसाफ लेने के लिए, ताकि हमारा पुलिस उत्पीड़न ना करे, बिजली विभाग उत्पीड़न ना करे, अदर कोई उत्पीड़न ना करे, तो हमें एक बढ़िया नेता चुनना पड़ेगा। और वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से ही हम जीत सकते हैं। अगर गलत फहमी के शिकार हो गए तो बीजेपी 10 बजे जीत जाएगी। आपने कहा कि उत्पीड़न पुलिस ना करे, विद्युत विभाग ना करे, 2019 में भी बहुजन समाज पार्टी के सांसद यहां से बने थे, हाजी फजलुर रहमान साहब, तो क्या वो कमजोर सांसद थे भाई। वो देखिए जो सांसद बने वो उसकी जिम्मेदारी होती है, मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह हम लोग चेयरमैन रहे। आपने देखा होगा कि मेरी वाइफ कभी इस बात से समझौता नहीं किया, हमेशा बुरखे में रहती थी, कभी नहीं देखी होगी किसी ने। पूरे सब लोगों ने जोर लगाए कि नहीं, हमें इस्लाम ने ये तरीका बताया, हम इस तरीके से ही अपना काम पूरा करेंगे। सबको, सर्व समाज को लेके कोई गांव नहीं छोड़ा जहां काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि हमें काम नहीं दिया चेयरमैन ने रहते हुए। और जो विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को कितना संतुष्ट करते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है जब मैं आज वोट मांगने जा रहा हूं, कि अगर मैं इस लायक बन गया तो उन सब के लिए जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिला सहारनपुर की पूरी जनता, उसके लिए एक एक कतरा खून का हाजिर रहेगा, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। कभी ये नहीं किसी को जवाब मिलने का कि सरकार फला की चल रही है इसलिए नहीं, सरकार हमारी चलेगी, क्योंकि जब हमें यहां से सांसद बना दिया तो यहां के राजा हम होंगे, हमारी सत्ता चलेगी, संविधान के मुताबिक चलेगी, जो संविधान ने हमें हक अधिकार दिया है। और जो नहीं उत्पीड़न करेगा, वो आप भी देख रहे, मैं भी देख रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री इस बात को दोहरा रहे हैं कि भाई जौन सी भाषा में सीख, जब आप मांगेंगे उसी भाषा में देंगे तो हम भी उसी भाषा में देंगे, हम भी आदत
तैनात मुख्यमंत्री की भाषा बोलेंगे, भाई उत्पीड़न करोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा तरीके से, बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। आपके सामने सपा कांग्रेस से चर्चा है कि इमरान मसूद चुनाव लड़ सकते हैं। इमरान मसूद बड़ा चेहरा है, 2019 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लगभग 2,00,000 वोट मिले थे। तो इस बार क्या देख रहे हैं, इमरान मसूद जैसे बड़े नेता को कैसे चुनौती दे पाएंगे मुस्लिम मतदाताओं में? भाई मैं चुनौती देने के लिए थोड़ा ही आया, मैं तो अपने लोगों को हक इंसाफ दिलाने के लिए आया हूं। मैं तो अपने लोगों को ये बोल रहा हूं कि एक बार 5 साल के लिए मुझे मौका दे, और 75 साल जो हो गए आजादी मिले हुए, वो 75 साल भूल जाएंगे, 5 साल में उन्हें बदले में जो वोट का अधिकार है जो संविधान ने उनको दिया है, उसके बदले उन्हें इंसाफ मिलेगा, उन्हें उनका हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। कोई ठेली वाला हो, वो चक्की वाला हो, बुग्गी वाला हो, दुकान वाला हो, जितने मजलूम कमजोर है, अभी भी मैं जाके कमजोर की कोई बात नहीं करता, बड़ों की सब कर लेते हैं, हमें तो उनके हक अधिकार के लिए लड़ना है। हम किसी के लिए नहीं आ रहे कि हमें उसे हराना है या उसे जिताना है, हमें तो जीत के इन लोगों की खिदमत करनी है। यही लोग हमें चुनाव लड़ा रहे हैं, इनसे हमने पहले ये बात पूछी, भाई चुनाव लड़े ना लड़े, सबने कहा हमारे लोगों ने चुनाव लड़ो, डट के लड़ो, और फिर हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते। हमें ये पता नहीं हमारे सामने कौन आ रहा है, हमें तो सिर्फ अपना पता है कि हमारा ये टारगेट है, हमें ये सीट जीतनी है और अपने लोगों की खिदमत करनी है, अपने लोगों को इंसाफ दिलाना है। चेयरमैन साहब आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती सपा और कांग्रेस के साथ आ जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हरा पाएंगे या अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को? वो आदरणीय बहन जी का फैसला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। मुसलमान जिस दिन इतना बड़ा नेता हो जाएगा, ये निर्णय लेने लगेगा, फिर तो ये दिक्कत परेशानी हमारी खत्म हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी है तो वो भी अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह वो भी सही काम कर रहा है, कोई मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, वो अपनी पार्टी के लिए अपने लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो सहारनपुर संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार माजिद अली जी को आपने सुना। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।